किल मी थ्री टाइम। कहानी की शुरुआत में हम चार्ली नाम के हिटमैन को देखते हैं, जो बुरी तरह से घायल पड़ा हुआ था। तब चार्ली अपनी कहानी बताता है और हम फ्लैशबैक में देखते हैं कि चार्ली एक आदमी पर गन से अटैक कर रहा है, जिससे वो आदमी घायल हो जाता है। तब चार्ली उसे मारने के लिए उसके पास जाता है, जिस दौरान चार्ली के पास एक कॉल आता है। तब चार्ली कॉल पर बात कर रहे आदमी से जल्द ही मिलने के लिए कहता है और फिर उस घायल आदमी को मार कर वहां से निकल जाता है। इसके बाद हम एलिस नाम की लड़की को देखते हैं, जो किसी बात से परेशान होकर समुद्र किनारे बैठी होती है। थोड़ी देर बाद एलिस अपने होटल रूम में जाती है और वहां से अपना सामान पैक करने लगती है, जिस दौरान वो कॉल पर एक डेंटल क्लिनिक में अपॉइंटमेंट लेती है। इधर डेंटल क्लिनिक में लूसी नाम की रिसेप्शनिस्ट एलिस का अपॉइंटमेंट फिक्स करती है। दूसरी तरफ हम लूसी के हस्बैंड नाथन को देखते हैं, जो इस क्लिनिक में डेंटल डॉक्टर होता है। यहाँ नाथन हॉर्स रेस पर पैसे लगा रहा होता है। असल में नाथन को गैम्बलिंग करना पसंद है, इसलिए वो अपना ज्यादातर वक्त गैम्बलिंग में देता है। खैर, तभी लूसी नाथन को बुलाती है और उससे कहती है कि हमें अपना प्लान चेंज करना होगा, क्योंकि एलिस आज ही के दिन क्लिनिक पर आने वाली है। जिस पर नाथन कहता है कि अभी उसे कुछ वक्त चाहिए, क्योंकि वो अभी रेडी नहीं है। लूसी और नाथन किस प्लान की बात कर रहे थे, ये हमें आगे पता चलेगा। तभी लूसी नाथन से अपनी डेंटल रिपोर्ट एलिस की डेंटल रिपोर्ट से चेंज करने का कहती है, जिसके बाद वहाँ एलिस आ जाती है। तब लूसी विंडो से देखकर नाथन को अलर्ट करती है कि एलिस आ चुकी है। इसी दौरान हम चार्ली को देखते हैं, जो कि एलिस का पीछा कर रहा होता है। यहाँ एलिस क्लिनिक में जाने से पहले अपने एक बैग को सीट के नीचे छुपा देती है। यहाँ क्लिनिक में डॉक्टर नाथन उसका ट्रीटमेंट करने के बहाने उसके गले में बेहोशी का इंजेक्शन लगा देता है, जिससे वो बेहोश हो जाती है। दूसरी तरफ लूसी बैक डोर पर अपनी कार लेकर आती है और फिर वो दोनों मिलकर एलिस को कार की डिग्गी में डाल देते हैं, जिन्हें ये सब करते हुए चार्ली देख रहा होता है। जिसके बाद लूसी और नाथन वहां से जाने लगते हैं, जिस दौरान लूसी उससे पूछती है कि क्या तुमने पेट्रोल ले लिया था, जिस पर नाथन मना करते हुए कहता है वो रास्ते में पड़ने वाले गैस स्टेशन से पेट्रोल ले लेगा। अब लूसी जल्दी से एलिस की कार लेकर अपनी तय की हुई जगह पर पहुंच जाती है और कार से सारे फिंगरप्रिंट्स को मिटाने लगती है। तभी लूसी की नजर एलिस के एक बैग पर जाती है, जिसमें काफी पैसे रखे हुए थे। दूसरी तरफ नाथन गैस स्टेशन पर पहुंच जाता है, जहां वो देखता है कि उसकी कार पंक्चर हो गई है, इसलिए वो अपनी कार का टायर चेंज करने लगता है। जिस दौरान वहां गैस स्टेशन का मालिक डायलन आता है और नाथन से उसके हेल्प करने का कहता है, पर नाथन को डर था कि कहीं डायलन को एलिस के बारे में पता न चल जाए, इसलिए वो डायलन से मना करके अकेले ही टायर चेंज करने का कहता है। पर डायलन उसे पहले से जानता था, इसलिए वो नाथन की मदद करता है। इसके बाद नाथन शॉप के अंदर जाकर डायलन को पेट्रोल के पैसे देता है। तभी वहां चार्ली भी आ जाता है, जो कि एक टूरिस्ट बनकर नाथन का पीछा कर रहा था। इसके बाद नाथन चुपके से पानी की बोतल में पेट्रोल ले लेता है और लूसी की बताई जगह पर पहुंच जाता है, जहां वो एलिस की कार को पानी में फेंक कर उसे ठिकाने लगा देते हैं। इसके बाद हमें लूसी और नाथन का प्लान पता चलता है। दरअसल लूसी अपने इंश्योरेंस का पैसा निकालना चाहती थी, इसलिए वो अपनी जगह पर एलिस को मारना चाहती थी, ताकि सबको लगे कि लूसी की एक्सीडेंट में डेथ हो गई है, जबकि रियलिटी में एलिस मारी जाएगी। यही कारण था कि उसने एलिस की रिपोर्ट से अपनी रिपोर्ट चेंज कर दी थी। साथ ही चार्ली उन दोनों का पीछा करके उनकी इस हरकत को देख रहा होता है। खैर, अब नाथन और लूसी अपनी अपनी कार लेकर एक खाई के पास पहुंच जाते हैं, जहां नाथन डिग्गी से एलिस को बाहर निकालने के लिए जाता है, ताकि वो एलिस को लूसी की कार में बैठा कर उस कार को खाई में फेंक सके और एलिस को मारकर लूसी को मरा हुआ बता सके। पर एलिस को होश आ चुका था, इसलिए एलिस डिग्गी में रखी जैक उठाकर नाथन के सर पर वार कर देती है। तब लूसी उसे समझाने की कोशिश करती है, लेकिन एलिस डर के कारण वहां से भाग जाती है। ये देखकर लूसी कार से उसका पीछा करती है और उसे पकड़ लेती है, जिसके बाद वो एलिस को कार में डालकर नाथन के पास ले आती है, जहाँ नाथन और लूसी कार के ऊपर पेट्रोल डालने लगते हैं। साथ ही नाथन लूसी की रिंग एलिस को पहना देता है, ताकि पुलिस को लगे कि लूसी एक्सीडेंट में मारी गई। अब वो दोनों मिलकर कार में आग लगा देते हैं और उस कार को खाई में धकेल देते हैं, जिससे कार खाई में गिरकर ब्लास्ट हो जाती है। इसके बाद हमें एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है, जिसमें हम देखते हैं कि एलिस और लूसी एक ही होटल में वेट्रेस का काम किया करती थी, जहाँ एलिस अपने गेस्ट के साथ काफी खुश रहती थी और उनके साथ एंजॉय किया करती थी। इस बात से लूसी को बहुत जेलसी होती थी, इसलिए वो एक दिन अपने
भाई जैक के पास जाती है जो कि इस होटल को चलाया करता था। यहाँ हमें पता चलता है कि एलिस जैक की वाइफ है और वो उससे बहुत प्यार करता है। खैर यहाँ लूसी जैक को भड़काती है कि एलिस का किसी लड़के के साथ अफेयर चल रहा है, इसलिए उसे एक डिटेक्टिव रखना चाहिए ताकि वो एलिस के बारे में सारी सच्चाई जान सके। इसके बाद जैक अपने लॉकर से गन निकालता है जिस दौरान एलिस वहाँ जाती है और जैक के हाथ में गन देखकर उससे पूछती है कि आखिर उसके पास गन क्यों है, जिस पर जैक उसे बैठने का कहता है और उससे गुस्से में बात करने लगता है। इस बात से परेशान होकर एलिस वहाँ से जाने लगती है। तब जैक उसे धमकी देता है कि अगर तुम्हारा किसी के साथ अफेयर हुआ तो मैं तुम्हें मार दूंगा, जिसके बाद जैक चार्ली को कॉल करके उसे एलिस की जासूसी करने का काम देता है। यहाँ एलिस होटल बंद करने के बाद जैक के पास जाती है। तब जैक नशे में होने के कारण सो रहा होता है। ये देखकर एलिस सबसे पहले जैक की गन उठा लेती है। तभी जैक की आंख खुल जाती है और वो एलिस को चोर की तरह जासूसी करते हुए देखकर गुस्से में उसे थप्पड़ मार देता है, जिससे नाराज होकर एलिस वहां से चली जाती है। तब चार्ली भी उसका पीछा करता है। थोड़ी देर के बाद एलिस एक घर में जाती है जो कि डायलन का होता है। यहाँ हमें पता चलता है कि एलिस का डायलन के साथ अफेयर चल रहा है। यहाँ वो दोनों इंटीमेट हो रहे होते हैं। तब चार्ली स्पाई कैमरा से उनका वीडियो बना लेता है और वहाँ से चला जाता है। इधर एलिस डायलन को बताती है कि अगर जैक को हमारे अफेयर के बारे में पता चला तो वो मुझे मार देगा। साथ ही वो डायलन को जैक की गन दिखाती है, जिससे डायलन अपने पास रख लेता है। अगले दिन एलिस अपने होटल में जाती है जहाँ उसे पता चलता है कि वो प्रेग्नेंट है। अब एलिस जैक के पास जाती है जहाँ जैक उससे माफी मांगता है, पर एलिस उसे माफ नहीं करती है। तभी चार्ली जैक को कॉल करके उसे मिलने के लिए बुलाता है। जब जैक होटल से चला जाता है तब एलिस पीछे की विंडो से बेसमेंट में जाती है और लॉकर से जैक का सारा पैसा चुरा कर एक डस्टबिन में रख देती है। यहाँ चार्ली जैक को एलिस का वीडियो दिखाता है, जिसे देखकर जैक को बहुत गुस्सा आता है, इसीलिए वो चार्ली को एलिस को मारने का काम देता है। ये वही दिन होता है जब एलिस डेंटल क्लिनिक में जाने वाली थी, जो कि हमें मूवी की शुरुआत में दिखाया गया था। खैर एलिस के क्लिनिक में आने से पहले उस क्लिनिक में एक पुलिस ऑफिसर ब्रूस आता है और नाथन से अपने दोस्त के पैसे वापस मांगने लगता है। असल में नाथन ने गैम्बलिंग के लिए ब्रूस के फ्रेंड से पैसे मांगे थे, जिन्हें नाथन वापस नहीं लौटा रहा था। इसलिए ब्रूस नाथन को धमकी देता है कि अगर तुमने एक हफ्ते में पैसा नहीं लौटाया तो मैं तुम्हें जेल में डाल दूंगा। इसके बाद एलिस उन चुराए हुए पैसों को निकाल कर अपनी कार में रखती है और क्लिनिक के लिए निकल जाती है। यहाँ से कहानी वापस प्रेजेंट में आती है, जहाँ हम देखते हैं कि एलिस को खाई में गिरने से पहले होश आ चुका था, इसलिए वो किसी तरह उस कार से बाहर कूद कर अपनी जान बचा लेती है। यहाँ नाथन और लूसी अपना काम करने के बाद एक बंगलो में चले जाते हैं। दूसरी तरफ ब्रूस को रास्ते में लूसी की कार दिखाई देती है जो कि खाई में गिरकर ब्लास्ट हो चुकी थी। अगले सीन में हम नाथन को देखते हैं, जिसे लूसी के सामान में एलिस का बैग मिलता है, जिसमें काफी ज्यादा पैसे देखकर नाथन हैरान हो जाता है। तभी वहाँ लूसी आती है और कहती है कि मैं तुम्हें इन पैसों के बारे में बताने वाली थी। यहाँ नाथन का लूसी के लिए ट्रस्ट टूट जाता है और वो उन पैसों को अपने पास रख लेता है। इधर चार्ली जैक से मिलने उसके होटल में जाता है और उससे कहता है कि मैंने एलिस को मार दिया है। साथ ही चार्ली उससे अपने पैसे मांगता है, लेकिन जैसे ही जैक अपना लॉकर खोलता है तो उसमें से सारे पैसे गायब होते हैं, जिससे जैक को समझ आ जाता है कि एलिस ने उसके पैसे चुराए होंगे। तभी चार्ली जैक से दोबारा अपने पैसे मांगता है, जिस पर जैक उसे कल आने का कहता है। अगले सुबह हम एलिस को देखते हैं जो काफी घायल होती है। इसके बाद हम नाथन को देखते हैं जो सारा पैसा लेकर क्लिनिक में बैठा होता है और उन पैसों को हॉर्स रेस में लगाने का सोचता है, जिस दौरान चार्ली उसे कुछ फोटोज सेंड करता है जिसमें साफ साफ दिखाई दे रहा था कि लूसी और नाथन ने मिलकर एलिस को मारा है। खैर चार्ली इन फोटोज के बदले नाथन से $2,50,000 की मांग करता है। इसी बीच वहाँ ब्रूस आ जाता है जो कि नाथन से लूसी के बारे में पूछता है, जिस पर नाथन कहता है कि लूसी आज सुबह से ही अपने काम पर नहीं आई है। तब ब्रूस बताता है कि मुझे लूसी की कार एक खाई में दिखाई दी थी और मुझे शक है कि तुमने इंश्योरेंस के लिए अपनी वाइफ लूसी को मार दिया है। ये सुनकर नाथन हैरान हो जाता है। तब उसे हैरान देखकर ब्रूस कहता है कि अगर तुम मुझे सब सच बता दोगे तो मैं तुम्हारे बहुत काम आ सकता हूँ, जिस पर नाथन उससे पूछता है कि तुम मेरी मदद करने का कितना पैसा लोगे। तब ब्रूस उससे इंश्योरेंस का हाफ पैसा मांगता है। अब क्योंकि नाथन के पास कोई और रास्ता नहीं था, इसलिए उसे
ब्रूस की डील माननी पड़ती है, जिसके बाद नाथन अपने बंगलों में जाकर लूसी से मिलता है और उसे बताता है कि उन्हें कोई ब्लैकमेल कर रहा है। यहाँ नाथन को लूसी पर भी शक होता है। तभी लूसी कहती है कि हमें ब्लैकमेलर को पैसे दे देने चाहिए, वरना हम पकड़े जाएंगे और मेरा इंश्योरेंस भी मुझे नहीं मिलेगा। लूसी की बातों से नाथन को उस पर शक होता है कि शायद लूसी उस ब्लैकमेलर के साथ मिली हुई है, पर नाथन के पास कोई रास्ता नहीं था, इसलिए वो उस ब्लैकमेलर को यानी चार्ली को पैसे देने के लिए निकल जाता है। दूसरी तरफ डायलन को एलिस की फिक्र होती है, इसलिए वो होटल जाकर जैक से एलिस के बारे में पूछता है, जिस पर जैक उसे बेसमेंट में ले जाता है और उसे चार्ली का दिया हुआ वीडियो दिखाता है, जिसमें डायलन और एलिस इंटीमेट हो रहे थे। इसके अलावा जैक डायलन से कहता है कि एलिस ने मेरा पैसा चुराया है और मैं जानता हूँ कि वो पैसा एलिस ने तुम्हें दिया होगा, लेकिन डायलन बताता है कि एलिस ने उसे पैसे नहीं दिए हैं। ये सुनकर जैक गुस्से में आ जाता है और अपनी गन ढूंढने लगता है। तब डायलन अपने पास से जैक की गन निकालता है और उसे जैक पर पॉइंट करके उससे एलिस के बारे में सब सच बताने का कहता है, लेकिन जैक कुछ भी नहीं बताता, इसलिए डायलन उसके पैर में शूट कर देता है, जिससे जैक उसे बता देता है कि उसने चार्ली नाम के हिटमैन को एलिस को मारने का काम दिया था। तब डायलन अपनी गर्लफ्रेंड की मौत का बदला लेने के लिए जैक से चार्ली का पता पूछता है, जिस पर जैक बताता है कि थोड़ी ही देर बाद चार्ली यहाँ आने वाला है, जिसके बाद डायलन जैक को मार डालता है। इधर चार्ली नाथन का इंतजार कर रहा होता है और जैसे ही नाथन उसकी बताई जगह पर पहुँचता है, तब चार्ली नाथन के हाथ पर शूट करके उसके पास जाता है, लेकिन तभी नाथन एक चाकू से चार्ली के हाथ पर अटैक कर देता है, जिससे चार्ली को गुस्सा आता है और वो नाथन को शूट कर देता है, जिसके बाद वो नाथन का पैसा लेकर उसकी कार को जला देता है और नाथन मारा जाता है। दूसरी तरफ एलिस जंगल से होते हुए सड़क पर पहुंच जाती है। यहाँ चार्ली जैक से पैसा लेने के लिए उसके होटल में जाता है, जहाँ जैक को मरा हुआ देखकर चार्ली हैरान हो जाता है, जिसके बाद वो होटल के सीसीटीवी डिस्क को जला देता है ताकि पुलिस को उसके यहाँ होने का कोई भी सबूत न मिल सके। पर तभी वहाँ ब्रूस आ जाता है, जिसे देखकर चार्ली जल्दी से उस पर गन पॉइंट करता है और ब्रूस को बताता है कि मैंने जैक को नहीं मारा है। इसी बीच डिस्क के ब्लास्ट होने की आवाज आती है। ये देखकर चार्ली ब्रूस को शूट करके मार डालता है और वहाँ से भाग जाता है। तभी हम देखते हैं कि डायलन होटल के बाहर चार्ली का इंतजार कर रहा होता है और उसे होटल से जाता देखकर उसका पीछा करता है, जिस दौरान एलिस डायलन की कार देख लेती है और उसका पीछा करने लगती है। यहाँ चार्ली लूसी के बंगलों में पहुंच जाता है, जहाँ लूसी वॉशरूम में शॉवर ले रही होती है। तब चार्ली उसके ऊपर गन पॉइंट कर देता है, जिसके बाद चार्ली और लूसी एक दूसरे को किस करने लगते हैं। यहाँ हमें पता चलता है कि इन दोनों का अफेयर चल रहा था और ये सब प्लान इन दोनों का ही था। खैर, इसके बाद जब लूसी को पता चलता है कि चार्ली ने नाथन को मार दिया है, तो वो चार्ली पर बहुत गुस्सा करती है, क्योंकि नाथन की मदद से उन्हें इंश्योरेंस का पैसा मिलने वाला था। यहाँ लूसी चार्ली को गुस्से में भला बुरा बोलने लगती है, जिससे चार्ली को गुस्सा आ जाता है और वो लूसी को थप्पड़ मार देता है, जिसके बाद वो बताता है कि मैं यहाँ से कहीं दूर जा रहा हूँ। ये सुनकर लूसी कहती है कि तुम अकेले ही सारा पैसा नहीं ले जा सकते, इसमें मेरा भी हिस्सा है, लेकिन चार्ली उसे हिस्सा देने से मना करता है और बताता है कि तुम जल्द ही जैक की होटल की ओनर बन जाओगी। ऐसा कहकर वो वहाँ से निकल जाता है। तभी डायलन पीछे से उसके ऊपर अटैक कर देता है और उसके ऊपर गन पॉइंट करके एलिस की मौत का बदला लेने का कहता है, जिस पर चार्ली बताता है कि मैंने एलिस को नहीं मारा है। तभी लूसी भी वहाँ जाती है और कहती है कि चार्ली ने ही एलिस को मारा था। अब जैसे ही डायलन शूट करने वाला होता है, तभी चार्ली उसके हाथ में मारता है, जिससे लूसी के ऊपर गन पॉइंट हो जाती है, जिससे लूसी भी मारी जाती है। अब चार्ली डायलन के हाथ में शूट करके उसे जान से मारने वाला होता है, लेकिन तभी एलिस पीछे से आकर चार्ली पर हमला कर देती है, जिससे वो नीचे गिर जाता है। इसके बाद डायलन और एलिस पैसों को लेकर वहां से निकल जाते हैं। अब हम मूवी के स्टार्टिंग सीन को देखते हैं, जहां चार्ली के पेट में एक रॉड घुसी होती है और वो काफी घायल होता है। तभी उसके पास किसी क्लाइंट का कॉल आता है। चार्ली उस कॉल को उठाकर कहता है कि मैं अब कभी नहीं आ सकता, इसका मतलब अब चार्ली मारा जाएगा। और इसी के साथ इस मूवी का यहीं पर एंड हो जाता है।